मेरा चैनल मैंगो प्रेरणा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको नीचे स्क्रीन पर दिख जाएगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी मिस आउट किया है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी मैं इस वीडियो में नहीं सॉल्व कर पाई हूँ तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप फूड लवर हैं और फूडी हैं, हर दिन कुछ नया खाना पसंद करते हैं, तो मेरे फूड चैनल को ज़रूर विजिट करें। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे चैनल को विजिट करके मेरी रेसिपीज ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली हेयर कलर पे मैंने वीडियो बनाया है। हमने से बहुत से लोग जो हैं अपने बाल हाईलाइट कराना चाहते हैं लेकिन हम लोग पार्लर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्लर आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा हेयर कलर लेके आऊँ जिससे हम लोग घर पे ही अपने पार्लर जैसे हाईलाइट्स कर सकें। तो इसलिए आज का ये वीडियो मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का जो कलर है वो बेसिकली स्ट्रीक्स का हाइलाइटर है और बाकी जितना भी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये है स्ट्रीक्स हाइलाइटर की किट। जो मैंने इसमें शेड दिया है वो है सॉफ्ट ब्लॉन्ड। पैकेजिंग की बात करूँ, पैकेजिंग एक बॉक्स में आता है, साथ ही में साइड में ही आपको कलर शेड भी देते हैं कि अगर आपके नेचुरल ब्लैक हैं तो आपका बेस कलर ऐसा आएगा, अगर नेचुरल ब्राउन है तो बेस कलर कैसा आएगा। तो यहाँ पर जो मैं हेयर कलर कर रही हूँ वो ब्लैक हेयर पे कर रही हूँ। पीछे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं सारे स्टेप बाय स्टेप, साथ ही में इस साइड इसका पैच टेस्ट की रिकमेंडेशन भी दी है। उसके बाद ये 175 रुपीज़ का मैंने लिया है ये पैकेट पूरा। इसमें ये है कि इसके साथ कंडीशनर भी आता है। स्ट्रीक्स आपको इस बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करता है ये मटेरियल, जिसमें आता है आपका ये पूरा हाइलाइटिंग किट। अब इस किट में पहले आपको मिलता है ये एक ब्रश जिससे आप अपने हेयर कलर को स्प्रेड कर सकते हैं अपने हेयर्स पे, साथ ही में आपको ये मिलता है ब्लॉन्ड पाउडर, और इसके साथ ही आपको मिलता है ये डेवलपर जो आप ब्लॉन्ड पाउडर में मिक्स करके फिर अपने बालों पर लगाएंगे। साथ ही में ये आपको देते हैं ये एक पेयर ऑफ ग्लव्स, ये पॉलिथीन ग्लव्स हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये शाइन कंडीशनर के साथ आता है, तो इसमें आपको मिले हैं दो कंडीशनर के पाउच। ये है हमारी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड हैं। तो जब भी आप हेयर कलर करें तो एक बार इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप कि आपको ये प्रोसेस पूरा कैसे करना है। और ये सब मिलाने के लिए ये हमें इसके साथ देते हैं एक कंटेनर, ये प्लास्टिक का कंटेनर है। तो चलिए पहले आप अपना लेंगे वो प्लास्टिक का कंटेनर, उससे बाद आप मिलाएंगे इसमें ये अपना डेवलपर। वैसे तो क्वांटिटी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके पूरे जो हेयर्स हैं वो पूरे कलर हो जाएं, हाँ लेकिन आप जैसे अगर सिर्फ ऊपर ऊपर वाली लेयर पे हाइलाइटिंग किट कर मतलब हाईलाइट कर सकते हैं कुछ कुछ स्ट्रैंड्स, उसके लिए ये सफिशिएंट है। अगर आपको पूरे हेयर्स पे करना है तो आप दो किट ले सकते हैं अपने बालों की वॉल्यूम के हिसाब से। अब इसमें मिलाएंगे हम ब्लॉन्ड पाउडर। इसे अच्छे से पूरा इस कंटेनर में निकाल लें। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करें जब तक कि एक फाइन पेस्ट सा नहीं बन जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसका पूरा अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो अब इसे अपने बालों पे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है ये, इसी ब्रश से मैं इसको लगाऊंगी।
तो ये हैं वो हेयर्स जिसको मैं हाईलाइट करूँगी। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी हाईलाइट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इनको सिर्फ नीचे के स्ट्रैंड्स पर ही कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको दो पार्टीशन किया है बालों का। कलर ज़्यादा नहीं है इसलिए मैंने इसके और पार्टीशन नहीं किए। अपने हेयर्स को आप अच्छे से पहले अच्छे से सुलझा लीजिए, इसे हल्का सा वेट रखें हेयर्स को, तभी आपका कलर अच्छे से चढ़ेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हें लास्ट टिप पर चाहिए था, तो मैंने इनकी टिप एंड पे ब्रश की मदद से कलर लगा दिया है। वो हल्का सा कैमरे में नहीं आ पाया है। आप चाहें तो इसे फॉइल से भी कवर कर सकते हैं। ये साथ ही में जो ब्रश देते हैं उसके साथ भी, ये ब्रश आपकी दूसरी किट में आता है एक्चुअली, तो मैंने पहले भी ये यूज़ किया हुआ, तो मेरे को ये किट में मिला था। मैं इसको अच्छे से को कर दूँगी अब। तो ये हैं बिफोर्स के हेयर उनके, उसके बाद हैं ये आफ्टर के। तो ये था एक्सपीरियंस स्ट्रीक्स के हाइलाइटर किट के साथ। ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है और काफ़ी इफेक्टिव भी है। हेयर कलर एक्चुअली में काफ़ी टाइम तक परमानेंट ही रहता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज के, मैं तब से इसे ट्राई कर रही हूँ और ये काफ़ी टाइम तक मेरे बालों में टिका रहता है। तो इसलिए मैं ये किट आपके लिए भी लेके आई। आप 100% मेरी इस वीडियो पर रिलाई कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं अपने हाईलाइट करने की, तो आई गेस ये काफ़ी सस्ता आपको घर पे ही हो जाएगा, आपको पार्लर के लिए इतने ज़्यादा पे नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए, मेरी वीडियो आपको ये कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरी ये वीडियो शेयर करें। तो चलिए, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।